जय हिंद दोस्तों इंडियन आर्मी अपकमिंग सेकेंड बैच भर्ती को लेकर यहां पे बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के लिए किया गया है जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताए थे कि इंडियन आर्मी में सेकेंड बैच का जो अब आपका भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा उसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा और ये लिखित परीक्षा जो है आपका ऑनलाइन होने वाला है इसको लेकर आज से दो महीना पहले ही इंडियन आर्मी के तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें इंडियन आर्मी और इसके अलावा एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ था ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर और दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूज पेपर में भी इसको लेकर एक आर्टिकल यहाँ पे प्रकाशित किया गया है यानी कि जो आपका सेकेंड बैच का भर्ती होने वाला है दो 2023 में उस भर्ती के अंतर्गत सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा यहां पर देख लीजिए इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी यानी कि आप सभी को पता है अभी तक जो है सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता था लेकिन अब जो है आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा और ये लिखित परीक्षा जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि जो आपका सीई एग्जाम होता था कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम ये जो है अब आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्जाम फिजिकल के पहले आपका होने वाला है यहाँ पर देखेंगे भर्ती प्रक्रिया में या बड़ा बदलाव होने जा रहा है इसके लिए ग्वालियर में 9 जनवरी को ट्रायल होने जा रहा है और इसको लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर देखेंगे ग्वालियर में जो है 9 जनवरी को ट्रायल भी कंडक्ट कराया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह बदलाव नए साल से लागू हो जाएगा दरअसल भारतीय सेना में सैनिक जीडी सैनिक क्लर्क और सैनिक ट्रेड्समैन भर्ती प्रक्रिया में पहले शारीरिक परीक्षा होती थी इसके बारे में आप सभी को पता है कि अभी तक जो है आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता था और इसके बाद जो अभ्यर्थी चयनित होते थे उनका मेडिकल परीक्षण और फिर उनकी लिखित परीक्षा होती थी लंबे समय से भारतीय सेना इसमें बदलाव करने की तैयारी में थी जिसके तहत सबसे पहले कॉमन एंट्रांस टेस्ट यानी कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे लिखित परीक्षा इसके बाद शारीरिक परीक्षा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट कर चयनित की मेरिट लिस्ट जारी करनी है तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अब आप जो आपका भर्ती प्रक्रिया होगा उसमें सबसे पहले जो है आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि ऑनलाइन आपका कंडक्ट कराया जाएगा यानी कि जो आपका सी एग्जाम है वह आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा सबसे पहले इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा देन उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इस बदलाव की पूरी तैयारी कर ली गई है इसके तहत भारतीय सेना और एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के तहत एम साइन हो चुका है तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे आज से दो महीना पहले जो है इंडियन आर्मी और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक एजेंसी है एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड तो इन दोनों के बीच इंडियन आर्मी और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ था ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर तो जो ये एजेंसी रहे हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यही एजेंसी जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो दोस्तों यहाँ पे साइन भी हो चुका है यानी कि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका हो चुका है दोनों के बीच में अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे अभी तक ओ एम सीट पर लिखित परीक्षा होती थी या परीक्षा सेना द्वारा ही आयोजित कराई जाती थी लेकिन अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी और इसके बाद रिक्त पदों के दस से पंद्रह गुना अभ्यार्थी को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इन्हें ही शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे फिर इसमें चयनित अभ्यार्थी को मेडिकल परीक्षण होगा तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी तक तो आप सभी को पता है कि ओ एम आर सीट पर आपका एग्ज़ाम होता था लेकिन अब जो है आपका ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम में जो है जितना वैकेंसी रहेगा उससे 10 से 15 गुना कैंडिडेट को जो है ए, मेरिट लिस्ट दिया जाएगा और उसके बाद उनका जो है फिजिकल टेस्ट होगा और उनके बाद उनका मेडिकल होगा और देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो आपका सेकेंड बैच का भर्ती होने वाला है इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तहत उस उसमें जो है आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है हालांकि ये पूरी तरह से अभी कन्फर्म नहीं हुआ है लेकिन 9 जनवरी को ग्वालियर ग्वालियर में जो है इसका ट्रायल होगा अगर सब कुछ सही रहा तो सेकेंड बैच की जो आपका भर्ती आएगा उसमें यह नियम लागू कर दिया जाएगा तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और एक बदलाव और आपका किया गया है एज लिमिट में इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताए थे अब आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये इक्कीस बरस कर दिया गया है यानी कि आप सभी को पता है जितने भी ट्रेड है इंडियन आर्मी के तहत जीडी का ट्रेड हो कलर का हो टेक्निकल का हो ट्रेड्समैन का हो जितने भी ट्रेड है सभी में मैक्सिमम आपका इक्कीस बरस रहेगा पहले क्या था कि पहले जो है आपका ट्रेड्समैन की भर्ती हो गया कलर की भर्ती हो गया टेक्निकल की भर्ती हो गया इसमें मैक्सिमम जो है तेईस बरस दिया जाता था लेकिन अब जो है आपका इक्कीस बरस होगा यानी कि दो बरस एज जो है कम कर दिया गया है तो ये आपके लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि एज लिमिट में जो है दो साल जो है कम आपका किया गया है और एक तो आपका अब आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा तो इसलिए आप सभी इंडियन आर्मी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन एग्जाम की भी तैयारी आप सभी साथ में करते रहिए हालांकि फुल जब नोटिफिकेशन आएगा सेकेंड बैच की भर्ती का उस समय पता चलेगा कि आपका जो है किस तरह से प्रोसेस होगा लेकिन अभी तक जो जानकारी मिला है इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि पहले जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्र